Hi guys, namaste. Hi guys, namaste and welcome to my channel to the tribe man. और आज हम एक दूसरे जगह विजिट करने वाले हैं. वो जगह का नाम है नागकटी हिल, जो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है. हम लोग ऑलरेडी लेट भी हो गए आज की जर्नी के लिए, ड्यू टू कल का लॉन्ग ड्राइव और कल की जर्नी के लिए जो हम लोग गए थे इंडो भूटान बॉर्डर सरलपारा में. आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं मेरा जर्नी. अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना. तो जैसे जैसे हम लोग को नागकटी हिल्स का रूट मिल चुका है, फिर हम लोग जा रहे हैं नागकटी हिल्स के रूट से. और आपको बताना चाहूँगा कि जिस रूट से हम लोग आ रहे थे वो सलबरी बोंगाईगांव रूट था उसका नाम. और आते आते आप लोगों को पूछ के आ सकते हैं, वहीं पे आपको साइन बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में है आपका नागकटी हिल्स का जो रूट है. फिर हम जा रहे हैं. सो हम लोग नागकटी रोड में ही है. हम लोगों ने एक्चुअली पानी लेना भूल गया, तो हम लोग पानी लेने वाले क्योंकि बहुत ट्रेकिंग करना ही पड़ेगा हम लोग को 600 मीटर का, तो बिना पानी के नहीं हो पाएगा. सो वही मैं अभी दुकान पर आया, पानी ले रहा हूँ. यहाँ पर दुकान आपको मिल जाएंगे बहुत सारे. अरे पानी वो पानी देखो ना, ठंडा होने की ठंडा ना है. अच्छा वो गर्म थे, वो एक लीटर तो दे दो. सो मैंने पानी ले ली. यहाँ पे आई गेस करंट का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो ठंडा पानी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को. अगर आप लोगों को ठंडा पानी लेके आना है तो आप लोग पहले खरीद लें सिटी से, जो कि पानी मिलता है. पानी ले लिए मैंने. और पहुँचने के लिए हम लोग को और 5 मिनट्स 10 मिनट्स जिसका दिखाई दे रहा है. पहुँच गए लोकेशन पे. गाड़ी यहीं पे रखना पड़ेगा हम लोग को शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेम्बो का ब्रिज है जो हम लोग बाइक या गाड़ी से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे. और आपको पीक दिखाई दे रहा होगा, यही कि इससे है नागकटी हिल्स का पीक जो कि व्यू पॉइंट है मेन. तो हम लोग फिलहाल पहुँच गए नागकटी हिल्स के नीचे. अभी हम लोग को ट्रेकिंग करना पड़ेगा क्योंकि बाइक ऊपर जा नहीं सकती. और यहाँ पे कुछ ब्रिज टाइप है, ये ब्रिज हम लोग को पार करना पड़ेगा. तो ब्रिज बहुत ही डरावना है गाइस, इसके साइड में पानी बह रहा है. ओ जंगो तो अभी लगभग 3 बज चुका है. हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. और यहाँ के लोकल्स भी बोल रहे हैं कि अगर आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी है तो सुबह 10 बजे के अंदर आपको आ जाना चाहिए. हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग आज पीक तक पहुँच पाए, आप लोगों को वो व्यू पॉइंट दिखा पाए. और एक तरफ से अच्छा भी होगा, सनसेट का व्यू भी मिल जाएगा हम लोगों को. वही हम लोगों को लौटने के टाइम में रात हो जाएगी, बट कोई नहीं, अच्छा ही लगेगा वो भी. तो आप लोगों को पता होगा ये नॉर्थ है, और नॉर्थ में फुटबॉल को बहुत खेला जाता है. यहाँ पे फुटबॉल एंथुसिएस्टिक बहुत है यहाँ पे. सो आप देख सकते हैं लोकेशन भी बढ़िया है, हिल्स के बीच में प्लेग्राउंड. सो फिलहाल हम लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है. यहाँ से भी जा सकता है ऐसा करके, जो कि आपका रास्ता जो है पहाड़ की तरफ कनेक्ट करने वाला वो अच्छे से बनाया हुआ नहीं है अभी तक. सो हम लोग अभी सोच रहे, मेरा दोस्त भी सोच में पड़ गया जाना कहाँ से पहाड़ की तरफ. बट गाइस बिलीव कीजिए, जितना भी धूप हो कुछ भी हो, ये व्यू आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला. सॉरी मैं अटक गया. बिलीव कीजिए, जितना भी धूप हो, जितने भी हम थक जाए, बट ऐसा व्यूज आपको दिखने को नहीं मिलने वाला. कल हम लोग इंडो भूटान बॉर्डर गए थे जो एक हेवन था, और आज हम लोग बोंगाईगांव के नागकटी हिल्स की तरफ आए हैं.
और ये भी हेवन से कम नहीं। थकान फिलहाल नहीं है, चढ़ना ही है आज। जैसे भी आप जो देख सकते हैं स्ट्रेट जो हमारे सामने एक पीक है वहाँ पे चढ़ना है हमको जैसे भी। और इवनिंग को आई गेस और भी अच्छा होगा, यहाँ पे सिनारी और भी अच्छा होगा क्योंकि सनसेट होगा तो वीडियोस लेने के लिए भी अच्छा होगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। रास्ता अभी भी अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे और आपको थोड़ा धूल मिट्टी से होके जाना पड़ेगा, बस जाना तो है जैसे भी। अभी हम जम मार के जाएंगे, अभी मेरा दोस्त सोच रहा है ये जम कैसे लगाएगा, ऊपर से बैग भी भारी हुई है। जूता गीला होने वाला है। हाँ सो अभी मेरा दोस्त जम करने वाला है, वो गीला है शायद, भाई गीला है गीला है। हाँ मैं वहाँ से क्रॉस करूँगा। सो मुझे एक अच्छा रूट मिल गया है जो कि मुझे अपने जूते को भिगाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी कल की तरह पानी बह रहा है और जो व्यू है क्या बोलूँ गाइस आपको, मैं ऐसा व्यू आपको लाइक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, अगर आप सिटी पे है टाउन पे कभी नहीं मिलने वाला। ये पानी देख के दिल को सुकून मिल गया। मैं सोचा था कि अपना जूते को मैं नहीं भिगाऊंगा, बट अभी लग रहा है जूते को भिगाना पड़ेगा। कुछ अच्छा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पहले। टाइम नहीं है भाई हमारे पास। हाँ टाइम नहीं है, ऊपर से टाइम भी कमी है। मेरे ख्याल से वहाँ से ये पार होना पड़ेगा ना। अच्छा गाइस मैं पार कर लेता हूँ क्योंकि अभी अभी लग रहा है पार करना ही पड़ेगा पानी से। ये बोले सो गाइस यहाँ पे पानी पार करने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप अगर शू लगा के आए हैं तो शू खोल दीजिए, वही बेटर रहेगा। मैंने गलती कर दी शू नहीं खोल के, अभी लग रहा है शू भीग ही जाएगा मेरा। फिर भी ट्राई करता हूँ, एक शू मेरा भीग गया है, एक शू बाकी है भीगने के लिए। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि शू ना भीगे। ओह शिट 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 भीग गया, दूसरा वाला भी भीग गया, ये भी भीग गया। अब जब भीग ही गया तो टेंशन किस बात की, चलो वैसे ही। सो सोचा था जूता बिना भिगाए जाऊंगा पर हुआ नहीं, भिगो के जाना पड़ रहा है। बट फिर भी देख सकते हैं हरा भरा है यहाँ पे काफ़ी। सो ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, हम लोगों को सॉरी उस पहाड़ की चोटी पे जाना है। यहाँ पे थोड़ा छाव है, बहुत थक भी गया हूँ, जूता भी भीग गया है मेरा। तो चलते हैं, आज जैसे भी हो जाना ही है। सो अभी हम लोग ट्रैकिंग पे निकल पड़े हैं, ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं और लगता नहीं ये ट्रैकिंग आसान होने वाला है क्योंकि बहुत ऊबर खाबर ज़मीन है यहाँ पे और सीमेंटेड भी नहीं है, नॉर्मल ही है जैसा होता है मडी वाला, नॉट मडी एक्चुअली बट जैसा होता है पहाड़ों में। सो हम लोगों को बहुत ऊपर जाना है अभी भी, जो भी हो आज जाना ही है हम लोगों को जैसे भी। या तो आप लोगों को आज पहाड़ दिखाएंगे हम, या तो आप लोगों को आज पहाड़ के ऊपर पहुंच के तारे दिखाएंगे, बट कुछ तो दिखाने वाले हैं हम लोग। सो कंटिन्यू करता रहता हूँ, कुछ अच्छा स्पॉट मिला तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। बट यहाँ पे हर स्पॉट ही अच्छा है, आप देख सकते हैं व्यू अमेजिंग व्यू है और जितना सनसेट होता जाएगा
और भी अच्छा अच्छा व्यू मिलने वाले हैं हम लोगों को। और जो पहाड़ पे हम जाने वाले हैं ये वाला है, इसके चोटी पे हमें जाना है, देखते हैं क्या होता है। हम मुसाफिर निकल पड़े। फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि अगर नीचे से व्यू इतना अच्छा दिख रहा है हम लोगों को, तो ऊपर से व्यू कैसा होगा। वही एक्साइटमेंट है जाने का, और आज जैसे भी जाना ही है मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, कल मुझे लौटना है गुवाहाटी के लिए। सो फिलहाल जा रहा हूँ, और ये व्यू देख सकते गाइस, सनसेट जितना होने वाला है धीरे धीरे, अमेजिंग व्यू दिखने भी वाला है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, थकान फिलहाल अभी तक लगा नहीं है, बट लगने तो वाला है थकान, होपफुली चढ़ पाऊँगा मैं। मैंने पहले भी ट्रैकिंग किया हुआ है 2-3 पहाड़ों में, और मेरे चैनल पे आप देख भी सकते हैं, भुवन पहाड़ का एक ट्रैकिंग है जो कि हम लोग पूरा जा नहीं पाए, बिकॉज मेरा दोस्त थक गया था काफ़ी। यहाँ पे मंदिर भी है, सो मेरा दोस्त भी ब्लॉग बना रहा है, वो भी अपना गोप्रो लेके। सो जा रहे हैं, लेकिन रास्ता हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली पैडी फील्ड है, सो पैडी फील्ड के बीच से जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ डायरेक्ट रास्ता नहीं है यहाँ पे मंदिर के, मंदिर तो नहीं है सॉरी, हिल्स हिल के लिए। मुझे कुछ झरने का साउंड भी आ रहा है आगे में, या तो झरना है या तो कुछ आगे में है, कुछ वाटरफॉल टाइप बड़ा या छोटा, बस साउंड आ रहा है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट आई गेस एक मिनी वाटरफॉल आगे को दिखने मिलेगा। सो जंगल ही जंगल है, जंगलों के बीच से हम लोग को जाना है, और यहाँ कहीं पे वाटरफॉल कुछ है, साउंड आ रही है बट दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आई को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अगर दिख जाता है, अच्छा व्यू मिल जाता है तो। फिलहाल हम लोग को और भी जाना है गाइस, और या एक बात अच्छी है, यहाँ पे हम लोग चढ़ाई करके आए हैं तो यहाँ पे हर जगह आपको वो मिल जाएगा, आपको लाइक होता है ना इस वे से जाए इस वे से जाए ऐसा करके, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में है दिया हुआ है कि नाकटी हिल्स के लिए रास्ता यहाँ से जाएगा, हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, और यहाँ पे झरना है भाई, झरना है यहाँ पे वो देख, पता नहीं कहाँ से दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है कुछ वाटरफॉल का साउंड, तो यहाँ पे ये है वाटरफॉल जो कि बहुत ऊपर से आ रहा है, आप पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, वहाँ से आ रहा है ये वाटरफॉल, और नीचे होके जा रहा है, नीचे में बहुत जंगल है, नहीं तो मैं नीचे उतर के दिखाता आप लोगों को, बट फिलहाल ऐसे दिखा रहा हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत घना जंगल है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि रात के टाइम में आप ट्रैकिंग करें, लेकिन हम लोग का शायद रात हो जाएगा लौटते लौटते, तो वही हम लोग अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचना है हम लोगों को ताकि कुछ तो व्यू पॉइंट मिल जाए, आई मीन ताकि कुछ तो हम लोगों को दिखने को मिल जाए एक व्यू। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है गाइस, अगर अभी यहाँ पे आते हैं, नीचे के रास्ते में तो ऐसा कुछ साइन बोर्ड नहीं था, बट ऊपर में जैसे हम लोग आए तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है जो आपको बोल देगा कि ऊपर की तरफ है नाकटी हिल्स का रास्ता, तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, और लगता नहीं है ये ट्रैक आसान होने वाला है, क्योंकि रास्ता बहुत ऊबर खाबर है, पत्थर ही पत्थर है, और चोटी भी बहुत स्टीप है। सो अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ओवर वेट कैरी कर लिया, और शू मैं रेकमेंड करूँगा
अगर आपके पास अच्छा वाला शू है, आई मीन मेरा शू ये ट्रैकिंग के लिए नहीं है एक्चुअली। अगर आपके पास ट्रैकिंग वाला शू है तो आप वो लगाएं, और अगर आपके पास नहीं है ट्रैकिंग वाला शू तो आप खाली पैर या सैंडल लगा के या कोस जूता लगा के, मुझे लग रहा है मैं और भी एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहा हूँ जूते का। फिलहाल देखते जब तक जान है, आज तो पहुँचना ही है जैसे भी, चाहे रात हो जाए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जीन्स लगा के कभी मत आइए ट्रैकिंग पे, क्योंकि जीन्स जो है आपका मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो आप ज़्यादा होता है ना, आप जितना स्पीड से चलते हैं उससे भी आपका कम हो जाता है स्पीड। सो रेकमेंड करूँगा कि आप फ्री लूज़ वाला थ्री क्वार्टर पैंट या हाफ पैंट वैसा टाइप का कुछ पहन के आइए, ट्रैकिंग पैंट्स वैसा भी चलेगा। और आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है, बहुत ही स्टीप चढ़ाई है ये, बिलीव मी गाइस आसान नहीं है ये। ऊपर से धूप है, फिलहाल धूप थोड़ा कम रहा है बट फिर भी मैं एक्चुअली मैं थक गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं एक्चुअल मेरा खुद की वेट से ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा वेट उठा रहा हूँ। एक तो जूते का वेट जो ऊपर से जूता भीग गया, और बैग में वाटर है 1 लीटर और 2 लीटर 3 लीटर्स। उसके बाद हम लोगों ने बनाना लिया है जो कि काम देगा कार्बोहाइड्रेट का, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है। और वही हम लोग ट्राई करेंगे पूरा चढ़ने के लिए, ताकि आप लोगों को व्यू दिखा पाओ। देखते हैं कब तक जा पाते हैं। सो मेरा दोस्त भी थक चुका है, मैं भी थक चुका हूँ, और वही मैं बीच बीच में उसको चीयर अप कर रहा हूँ, लेट्स गो, थकना नहीं है, पहुँचना है पूरा। इसको चीयर अप कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी थक चुका हूँ गाइस, ये बहुत स्टीप चढ़ाई है। अभी भी हम लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसा स्टीप है ये चढ़ाई, पूरा थक चुके हैं गाइस। पता नहीं अभी और कितना चलना पड़ेगा हम लोगों को, लोग तो बोल रहे थे 2 एंड 2 एंड हाफ एन आवर्स लगता है यहाँ पे पहुँचने के लिए ऊपर में, अभी हम लोगों का पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, देखते हैं। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है। सो हम लोग रिक्स भी लेना नहीं चाहते रात, अगर रात हो गया तो, हाँ हाँ अगर रात ज़्यादा हो गया तो बोल नहीं सकते, जंगली एनिमल्स भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये जंगल है, हम लोग रिक्स नहीं लेना चाहते, देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क दिखाई दे रहा है एयरटेल और जियो का, सो ये चीज़ अच्छा है, अगर कुछ हो भी जाता है आपको आप कॉल बैक कर सकते हैं घर में, बोल सकते हैं ऐसा जगह पे आप फंस गए, या अगर कुछ हादसा हो जाता है आपके साथ। सो फिर भी आप केयरफुली चलें, यहाँ पे कुछ भी उटपटांग चीज़ें होता है ना, उटपटांग चीज़ें करने की कोशिश मत कीजिए, जंगल को रेस्पेक्ट कीजिए जैसा है, आपको जंगल के साथ उसको रेस्पेक्ट करके चलना चाहिए, ना ही उसको बिगाड़ के। सो वही बोलना चाहता हूँ, अभी हम लोग को और भी जाना है, सो आपको अपडेट देता रहूँगा मैं, लेकिन ये ट्रैकिंग में फिर से बोलना चाहता हूँ, ये चढ़ाई आसान नहीं है गाइस, ये ट्रैक आसान नहीं है। अब अगर आप ट्रैक लवर हैं आप ज़रूर आइए यहाँ पे नाकाटी हिल्स, और इसका मज़ा लीजिए। सो आप देख सकते हैं जंगल कैसा घना है, कम्युनिकेशन का टेंशन नहीं है, हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हुआ है मेरा फिलहाल।
मेरे दोस्त का हार्ट बीट फास्ट हो चुका है। थोड़ा रेस्ट करेंगे हम लोग आगे में, एक ही बार में चढ़ाई करने मत जाइए, धीरे धीरे जाइए, रेस्ट करके जाइए, क्योंकि ये बहुत स्टीप है, ऊपर से धूप ज़्यादा है, सो आपको सडन हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का, या आपको सडन हार्ट अटैक भी आ सकता है, सो आप संभल के जाइए, केयरफुल जाइए। দাদা দাদা মনন নাই কো বিলেব ঠান্ডা এইটু এইটু এটা কি জক হয় পাহাড়িয়া জক হয় পাহাড়িয়া জক ও এটা জক আছে নাকি পাহাড়িয়া জক আছে মেবি বেটার হবে এনে কা জক একে জক পাবি এটা জক ফরিলে কি গম না পায় কি খাবো খাইবি পড়ি যাব ও আচ্ছা আচ্ছা মানে এনে কি কোন করে তুই নিকালা না কি আচ্ছা নি গেছে জক আছে কি এটা মা উঠা একদম উঠি বলি না এটা মোটা এটা নাই কি যদি মোটা তুই ধরিছে তাহলে ফরা বলে গম পাবি আচ্ছা আচ্ছা কামুড়ি বয়ে तो गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको लीच भी मिल जाएगा, जो कि इसने मेरे दोस्त को काट लिया वो भी पेंट के अंदर घुस गया था पता ही नहीं चला उसको कब घुसा, तो अभी मुझे भी डर लग रहा है। मुझे वैसे दूसरे चीज़ों से डर नहीं लगता, बट लीच से डर लगता है भाई। और इससे बच के रहिए गाइस, आपको ऐसा मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को दो लोकल्स मिले थे, एक का घर यहीं पे था और एक उसका दोस्त था जो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के लोकल्स, और उन्होंने उनको पूछा हमने कितना दूर है, उन्होंने बोला ज़्यादा दूर नहीं है और आधा घंटा जैसा लगेगा। तो यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, और सॉरी यहीं पे होगा, यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं जो कि गाइड कर रहा है आपको हिल्स के लिए। और अभी लगता है सामने में हमको झरना भी मिलेगा, हमको झरना भी पार करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ 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 यही तुम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी, ये जो वाटरफॉल है वो बहुत ऊपर से आ रहा है। मैंने जो आपको वाटरफॉल बोला था वो कुछ बहुत ऊपर से बह के आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट गाइस ये पानी देख के मुझे लग रहा है नहा लूँ, बट वो मैं करना नहीं चाहता फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे भीगना नहीं है, और ऊपर से हम लोग ऑलरेडी लेट भी हो चुके हैं, तो हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है जैसे भी। बट ये देख के शांति मिलता है नेचर के साथ, बट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग जाए तो जाए कहाँ, रास्ता जाता कहाँ से। तो झरने के पानी में हम लोग ने मुंह धो लिया, जो कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को पानी से मुंह धोने के लिए, आप देख सकते हैं। तो मैंने मुंह धो लिया अपना, दोस्त ने भी धो लिया, अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा इससे लगने वाला है, देखते क्या होता है। तो आप देख सकते हैं बैम्बूस ने पूरा शेड बना दिया है यहाँ पे, पहले मुझे पता ही नहीं चल रहा था जाना कहाँ से, बट अभी दिखाई दे रहा है यहाँ से जाना है। और यहाँ पे हमारा वाटरफॉल था। बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रैक गाइस बहुत ही अच्छा था, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक रहेगा ये हमेशा। इसमें हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला, और हम लोग शायद पहुंच गए हैं, यहाँ पे कुछ गेट दिखाई दे रहा है मुझे, और आप लोग शायद मैन वर्सेस वर्ल्ड देखा ही होगा डिस्कवरी में, तो मुझे वैसा ही फीलिंग हो रहा है वैसा। यहाँ पे रास्ता बहुत स्टीप है गाइस, आपको एकदम एकदम केयरफुली आइए, ध्यान रास्ते पे रखिए कैमरे से ज़्यादा, क्योंकि एक गलती अगर हो गया तो आपको यहीं पे रुक जाना पड़ेगा। पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे कुछ गेट मिल गया, वो शांति मिल रहा है देख के, और ज़्यादा दूर नहीं है। और